नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं डॉक्टर रवि अग्रहारी, स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। साइंस एंड इकोलॉजी में करंट अफेयर्स के टारगेट 2018 के सेशन में स्टार्ट करते हुए दोस्तों मंथ वाइज डिस्कशन करते हैं। यहां अगस्त 2017 में ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं जहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। याद रखना दोस्तों, शुरुआत में ही मैं इस वीडियो के बारे में आपको बता दूँ, इन वीडियोस को आप ढंग से हिफाजत से रखना, हिफाजत से सुनना। इवन ये आपके मेंस के पेपर के लिए भी पूरी तरह से इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रीलिम्स होने के बाद मेंस के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, उन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को इसी करंट अफेयर्स के बेस पे बनाया जाएगा। आप इस करंट अफेयर्स के लिए ट्रेडिशनल बुक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक और कॉन्सेप्ट पार्ट को समझने के लिए आप मेरे बुक को फॉलो करें और उसके बाद इस करंट अफेयर्स को कनेक्ट करें, आपका पूरा साइंस एंड इकोलॉजी कंपाइल हो जाएगा। वीडियो के सेशन को स्टार्ट करते समय, अगस्त मंथ को करंट अफेयर्स में आते समय दोस्तों, पहले मैं स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव कोर्सेज के बारे में बता दूं। जैसा हमारा अपना एक रूल होता है, एसएससी बैंकिंग के कोर्स अवेलेबल है, यूपीएससी सीएस के डिफरेंट सब्जेक्ट के कोर्स अवेलेबल है, इवन ऑप्शनल कोर्सेज अवेलेबल है, डिफरेंट स्टेट पीसीएस के एग्जाम के पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल है, लॉ क्लैट एग्जाम्स के लिए आप जा सकते हैं, डिफेंस सर्विसेज में डिफरेंट एनडीए एसएसबी सीडीएस टाइप के एग्जाम्स के लिए भी आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज इन दिए गए नंबरों से ले सकते हैं। दोस्तों अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स में जाते समय पहले मैं आपको बताऊं कि ये करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन किस तरह से हैं, जो कि बहुत जरूरी है। जस्ट एक मिनट में मैं इसे खत्म करूंगा। आप अगर मेरी बुक को देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो मैग्रा हिल पब्लिकेशन, हिंदी या इंग्लिश दोनों बुक आप देखें, दोनों में सेम चैप्टर्स हैं, सेम यूनिट्स हैं। पूरे साइंस एंड टेक में यूपीएससी में क्वेश्चंस कहां से आते हैं, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, तकरीबन 12 से 15 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछे जाते हैं। काफी लोगों को गलतफहमी है कि सिर्फ करंट अफेयर से आता है, काफी लोगों को गलतफहमी है कि सिर्फ ट्रेडिशनल पार्ट से आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, हमें दोनों मर्ज करके चलना होगा। फाइन, जैसे 2016 का पेपर देखिए, 16 में करंट अफेयर्स के इश्यूज बहुत ज्यादा है, और 17 में देखिए दोस्तों, तो काफी हद तक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जहां आपको बुक्स से काफी फायदा हुआ है। ओके, इस बुक में जो यूनिट्स हैं, जैसे यूनिट वन जो है वो डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सेकंड यूनिट है जो एनर्जी का चैप्टर है, थर्ड यूनिट में स्पेस टेक्नोलॉजी डिफाइन की गई है, फोर्थ यूनिट में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिफाइन हुआ है, फिफ्थ यूनिट में डिफेंस टेक्नोलॉजी, सिक्स यूनिट में रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी, सेवंथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आठवें में पार्टिकल फिजिक्स, नौवें में बायोटेक्नोलॉजी, दसवें में हेल्थ एंड डिजीज और ग्यारहवें में मिसलेनियस टॉपिक। ये वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। आइए दोस्तों, इस करंट अफेयर्स के सेशन में ट्रेडिशनल पार्ट्स के साथ जो यूनिट वन का करंट अफेयर्स होगा आपको पहले मिलेगा, यूनिट टू का उसके बाद मिलेगा, यूनिट थ्री उसके बाद मिलेगा, यूनिट फोर उसके, इसी ऑर्डर में करंट अफेयर्स कंपाइल किए गए हैं। अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं, इसी प्रॉपर स्ट्रेटजी में जो भी करंट अफेयर्स से जुड़े हुए इश्यूज हैं वो यहाँ आपको कनेक्ट होते हुए यानी जुड़ते हुए दिखेंगे। तो यूनिट वन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखते हैं ऐसा कौन सा करंट अफेयर का इश्यूज है इस मंथ में। एक ही इशू ऐसा रहा है जो न्यूज में रहा है और इसके बारे में मैंने आपको जनवरी मंथ के साइंस रिपोर्टर में भी बताया है, सीएसआईआर गॉट 9th रैंक इन द वर्ल्ड। जहां पर दोस्तों आपको बताऊं कि इस इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोनॉमस पब्लिक रिसर्च बॉडी है सीएसआईआर, जो दुनिया में 9th रैंक पर स्टैंड करता है अपने रिसर्च के लिए, अपने अचीवमेंट्स के लिए। ये एक रैंकिंग जो है कंपोजिट इंडिकेटर के बेस पर दिया गया है, जहां पर बहुत सारी चीजें हैं जिनको मर्ज कर रैंकिंग बनाई गई है, जिसमें डिफरेंट तरह के रिसर्च परफॉर्मेंस लिए गए हैं, डिफरेंट तरह के खोज से जुड़े हुए जो इनपुट्स हैं उनको लिए गए हैं, सोसाइटी में किस तरह के उनके इंपैक्ट्स होते हैं उसको मेजर किया गया है। इसमें साथ ही साथ किस तरह से साइंटिफिक, इकोनॉमिक और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो इस इंस्टीट्यूशन की मदद से जो फायदेमंद हो रहा है हमारे राष्ट्र के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इन इन इनके बेसिस पर ये रैंकिंग दी गई है। ये इंस्टीट्यूट जो है, अगर हम देखें तो जो 9th रैंकिंग पूरी दुनिया में कवर करता है, यहां पे तकरीबन 1207 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का कंपैरिजन किया गया था, जहां हमारा सीएसआर 9th रैंक पर आता है। ये जो भी सर्वे है, जो भी डेटा है गाइस, दोस्तों ये सिमागो इंस्टीट्यूशन की एक रैंकिंग है। सिमागो इंस्टीट्यूशन रैंकिंग जो है एक साइंस इवैल्यूएशन रिसोर्स के बेसिस पर ये रैंकिंग देता है, और इस रैंकिंग के बेसिस पर इंडिया 9th रैंक पर स्टैंड करता है। इवन अगर हम दुनिया की बात करें तो ओवरऑल पूरी दुनिया में सीएसआईआर 75 रैंकिंग्स पर आता है, जहां 5250 इंस्टीट्यूशंस पूरी दुनिया में स्टडी किए जाते हैं, किए गए हैं, इनके बेसिस पर इंडिया 75 रैंकिंग पर स्टैंड करता है। ये रहा यूनिट वन से जुड़ा हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया से, जो भी क्वेश्चन बन सकते थे इस टॉपिक को ध्यान दीजिएगा। यूनिट टू पर आते हैं दोस्तों, एनर्जी में ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पर करंट अफेयर्स में इश्यूज हैं अगस्त मंथ में।
तीन ऐसे नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो भारत ने साइन किया है न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ा हुआ. सो थ्री कॉन्ट्रैक्ट साइन ऑन न्यूक्लियर पावर प्लांट. यहां पर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि भारत और रशिया के बीच में एक मीटिंग, एक एटलीस्ट मीटिंग नहीं, आप बोलिए आप एक एग्रीमेंट बोलिए, जो पहले ही साइन हो चुका है. जो साइन जो हुआ है वो किसके बीच में हुआ है? स्टेट ओन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इसके एनपीसीआईएल का रशिया जेएससी एटम ट्रॉय एक्सपर्ट के बीच में हुआ है, जहां पर थर्ड स्टेज में जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके लिए यहाँ फ्यूल और एनर्जी सोर्सेज के लिए बात हुई है, जहां न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू भारत में एनर्जी जनरेशन की बात की गई है. एक्चुअली अगर हम न्यूक्लियर, अगर कुडनकुलम के बारे में बात करें दोस्तों, तो कुडनकुलम के लिए बहुत पहले ही डील हो चुका है, जो डील 1988 में हुआ है. उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी और सोवियत प्रेसिडेंट मिखाइल गोवर्चो के बीच में ये एग्रीमेंट बहुत पहले ही साइन हो चुका है, जहां पर भारत में दो रिएक्टर बनाने की बात की गई थी. इस जेएससी एटम्स ट्रॉय जो ग्रुप है रशिया का, जो भारत की मदद कर रहा है, जेएससी एटम्स ट्रॉय गाइस, यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे एक फॉरेन ट्रेड इंजीनियरिंग कंपनी है. जेएससी एटम्स ट्रॉय एक फॉरेन ट्रेड इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि स्टेट कॉर्पोरेशन रोसा टर्म की एक बॉडी है जो कि रशिया में काम करता है. भारत में यही ऐसा है, इसका एक्चुअली हेडक्वार्टर आप देखो रोसा टर्म का तो ये मॉस्को में है और ये विशेषतः नाभिकीय ऊर्जा में, न्यूक्लियर एनर्जी में पूरे दुनिया में काम कर रहा है. कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट एक आउटकम है जो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ है, जो मैंने बताया था आपको रशिया और यूएसएसआर, उस टाइम यूएसएसआर था, और इंडिया के बीच में 1988 में. इसका पहला लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया में काम कर रहा है, सिंगल लार्जेस्ट वन. और इसके बारे में अभी कहा जाए तो इसके अभी एटलीस्ट इसमें कुल टोटल 6 यूनिट्स हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी है 6000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या 6000 यानी आप कह सकते हैं कि टोटल 6 रिएक्टर्स एक तरह से लगाए गए हैं, जिनमें हर रिएक्टर की क्षमता जो है 1000 मेगावाट है. तो ओवरऑल 6000 मेगावाट की अभी तक है जो हम जिस हिसाब से काम कर रहे हैं. और अगर फ्यूचर में बात करें दोस्तों, तो इट इज एक्सपेक्टेड इसकी जो कैपेसिटी होगी, जो टोटल हम रिएक्टर्स के थ्रू जनरेट करेंगे, वहां पर कहा जा रहा है कि करीब 9200 मेगावाट या 9.2 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इस न्यूक्लियर रिएक्टर से होगा. जैसा कि आप जानते होंगे कि जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां पर फ्रांस भारत की हेल्प कर रहा है, वहां पर तकरीबन 9600 मेगावाट और इसके प्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात हुई है. तो ये एटलीस्ट अगर हम बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा इंडिया में एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी के बेस पर. नीति एक्शन एजेंडा क्या है दोस्तों? जो 5 ईयर प्लानिंग, जो नीति आयोग हो चुका है, उन्होंने 100 गीगावाट का क्लीन एनर्जी टारगेट डिसाइड किया है 2019-2020 का. क्लीन एनर्जी टारगेट आई होप आप सब जानते हैं दोस्तों, जहां पर इन्वायरमेंट पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है. शायद आपको पता होगा दोस्तों, यहां पर जो टोटल भारत ने एक टारगेट डिसाइड किया रिन्यूएबल एनर्जी में, जहां 2022 तक भारत का टारगेट है दोस्तों 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का. और ऐसी कोशिश की जा रही है कि 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी से 2019-2020 तक जनरेट कर लिया जाए. इस 3 साल के एजेंडा में ऐसा क्या है जो हम करने जा रहे हैं? जो नीति आयोग का रिपोर्ट है, जिस बेसिस पे काम होगा, इसके अंदर दोस्तों क्या है, आप ये देखें, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मंथली रिपोर्ट देगा, दिया है, जो जुलाई 2017 में है, और जिसके हिसाब से करीब 58.3 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो भारत की है, जिसके अंदर आज 32.5 गीगावाट विंड पावर, 13.1 गीगावाट सोलर पावर, 4.3 गीगावाट स्मॉल हाइड्रोलिक पावर प्लांट और 8.1 गीगावाट बायोमास एनर्जी सोर्सेस से एनर्जी जनरेशन हो रहा है. अगर हम इसी की बात करें दोस्तों, हमें इसको और ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है, इसको बूस्ट अप करने की जरूरत है, जैसा कि नीति आयोग कह रहा है. यहां पर दोस्तों जो स्टेट ओन सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI है, इसको पूरी तरह से डेवलप करना होगा. इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी चीज उसके स्टोरेज की है, कि जो हम एनर्जी को स्टोर करेंगे उसको हम किस तरह से स्टोर करेंगे. अगर हम एनर्जी को बढ़ाते जाते हैं तो एनर्जी को स्टोरेशन की कैपेसिटी, स्टोरेशन की भी टेक्नोलॉजी हमें लानी पड़ेगी. अगले 3 सालों में हमें उसमें और ज्यादा ग्रोथ और ज्यादा डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जैसा कि समय की डिमांड है. दूसरी चीज दोस्तों, जो रिन्यूएबल एनर्जी जो परचेज ऑब्लिगेशन सिस्टम है, इसको हमें और ज्यादा बूस्ट अप करना होगा. तो नीति आयोग में यह भी बोला गया है कि रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना होगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी के मार्केट को एटलीस्ट बहुत बड़े मार्केट पर ले जाएगा. एनर्जी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यूएन ने यूरेनियम बैंक जो है ओपन किया है, उस बारे में बात करते हैं. जबकि पहला यूरेनियम बैंक कहीं
और स्थापित किया जा चुका है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो कि यूएन की एक बॉडी है, पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉचडॉग की तरह काम करता है। इसने दोस्तों यूएन ग्लोबल न्यूक्लियर वॉचडॉग की तरह काम करता है। इसने एक यूरेनियम बैंक बनाया है कजाकिस्तान में जो 29 अगस्त 2017 को डिसाइड हुआ। दूसरी चीज इसके पीछे रीजन जो है, इसके पीछे रीजन यह है कि यह डिस्करेज करेगा उन नए राष्ट्रों को जो न्यूक्लियर फ्यूल को एनरिच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हम वही न्यूक्लियर एनर्जी को जब एनरिच करते हैं, उसी यूरेनियम के परसेंटेज को जब हम बढ़ाते हैं, एनरिच करते हैं, तो उसी एनरिचमेंट से हम एटम बम भी बना सकते हैं। शायद आप अगर आपने ट्रेडिशनल चीजें मेरी बुक से पढ़ी होंगी या मेरे कभी लेक्चर सुने होंगे या कहीं आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उसी यूरेनियम 235 को अगर 3 से 5% हम करते हैं, जो कि नेचुरल में तकरीबन 0.7204 के आसपास होता है, उस 0.7204 यूरेनियम 235 को जो कि नेचुरल यूरेनियम में पाया जाता है, जब आप एनरिच करके 3% लाते हैं तब इसका यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और जब तकरीबन इसको आप 90% के आसपास एनरिच करते हैं तो इसका यूज होता है एटम बम के लिए। तो कहने का मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए 3% एनरिचमेंट तक की बात की जा रही है ताकि उस इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज ना किया जाए, इसीलिए यूरेनियम बैंक की बात हुई है यहाँ पे दोस्तों। अब देखो यहाँ लो एनरिच यूरेनियम के बारे में बात हो रही है, तो लो एनरिच मतलब हो गया जहाँ पे परसेंटेज यूरेनियम का कम होगा। कहाँ पर यह है? ईस्टर्न कजाकिस्तान में एक शहर है ओसी कमान, यहाँ पर यह स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जो आपको जानना चाहिए। रशिया हैज ऑपरेटेड अ सिमिलर बैंक जो है ना 2010 से, जो कि एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि कजाकिस्तान में बनाया गया है। तो आप ये मत सोचिएगा कजाकिस्तान दुनिया का पहला यूरेनियम बैंक है, इसके पहले रशिया में एक यूरेनियम बैंक स्थापित हो चुका है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ल्यू बैंक कजाकिस्तान हैज मेड अनदर कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम। नॉन प्रोलिफरेशन एनपीटी के बारे में अगर आप जानते हैं दोस्तों, जिसके बारे में आप जानते होंगे, अभी भी इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो एनपीटी के जो भी नियम कानून हैं, जो रूल और रेगुलेशंस हैं, उसको ये पूरी तरह से फॉलो करेगा, यानी किसी को भी यूरेनियम इस तरीके से नहीं दिया जाएगा, इस तरह की चीजें जिसका मिसयूज किया जा सके, यानी न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए यूज होगी, पर्पसेस के लिए। ओके दोस्तों, अभी हाल ही में एक आपको मैं एक चीज बारे में बता दूं, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो सेलिब्रेट किया गया है, या एक तरह से आप कहिए इसको डिसाइड किया गया है। ये डेट है दोस्तों 29 अगस्त। ओके, इसका मेन पर्पस क्या है कि एक अवेयरनेस जनरेट करना है, लोगों को बताना है न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन्स वगैरह के बारे में, और इससे जुड़े हुए अनदर जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स वगैरह हैं, है ना, जहां पे आप नाभिकीय हथियारों को टेस्ट करते हैं या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स करते हैं, इनको ना किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो शायद आप जानते होंगे हिरोशिमा नागासाकी में जो दुनिया में सेटअप हो चुके हैं। इस तरह की चीजें सिर्फ इस जनरेशन को ही नहीं जबकि आगे वाली नस्लें बर्बाद कर देती हैं। इवन यहाँ पे पूरी कोशिश है कि प्रमोट करना है पीसफुल यूजेस के लिए, पूरी दुनिया में सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड इसको मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट सेलिब्रेट किया गया है। इसकी सबसे जरूरत क्या थी कि जो कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट है, यानी डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है जो न्यूक्लियर एनर्जी के, उसको कम से कम किया जाए और उसको पूरी तरह से ह्यूमन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, और इस पूरी धरती के लिए, इस पूरे प्लैनेट्स के लिए पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है दोस्तों, इसको जो इंस्टीट्यूटेड है, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2009 में ही ये रिजोल्यूशन जो था ये पहले ही पास कर लिया गया था। ये रिजोल्यूशन जो है सबसे पहले कजाकिस्तान में लाया गया था, और ये लार्ज नंबर पे इसके स्पॉन्सर्स और कोई स्पॉन्सर्स थे जो कि 1991 में, ये कुछ उसका बैकग्राउंड है जो मैं आपको बता रहा हूं, और पहली बार ये डे जो था 2010 में ऑब्जर्व किया गया। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा 29 अगस्त जो है, ये जो हम इंटरनेशनल डे न्यूक्लियर टेस्ट जो हम इस डे को डिसाइड करते हैं, इसके डिसाइड किया है, जिसके पीछे उद्देश्य क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज किया जाए। आगे बात करते हैं दोस्तों रुडोल्फ डीजल के बारे में, जिनका नाम सुना होगा, जिन्होंने सबसे पहले डीजल इंजन बनाया था, उन्हीं पर बेस्ड होकर हमने इंटरनेशनल बायोडीजल डे डिसाइड किया है, जिसको दुनिया में वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के नाम से भी जानते हैं। 2017 में जो न्यूज आई उसके बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल बायोडीजल डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 10 अगस्त को, हम इंटरनेशनल बायोडीजल डे या वर्ल्ड बायोफ्यूल डे
10 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसके पीछे रीजन यह है कि बायोफ्यूल का मतलब होता है, बायोडीजल का मतलब होता है ऐसे फ्यूल जो नॉन फॉसिल फ्यूल है, यानी कहने का मतलब है जो नेचर में फॉसिल फ्यूल जो नहीं, ये नहीं है जो नेचर में मिलते हैं उनको हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट टाइप की चीजें जो फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में मिलती हैं उनको जलाने से पॉल्यूशन ज्यादा होता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि सर रिजॉल्ट डीजल ने ही सबसे पहले इंजन जो था वो पीनट ऑयल की मदद से 1893 में सबसे पहले उन्होंने डीजल इंजन चलाया और जिसका सोर जो था वो पीनट ऑयल था। पीनट ऑयल एक बायोफ्यूल है, क्योंकि बायोफ्यूल का मतलब होता है इस तरह के फ्यूल जहां पर प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद लेते हैं हम ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए। इनसे फायदा ये होता है दोस्तों, इनसे बेनिफिट क्या होता है कि रिन्यूएबल फ्यूल है, इस तरह के प्लांट्स और प्रोडक्ट्स हमेशा नेचर में होते रहते हैं तो इनको हम यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनको डिकम्पोज बैक्टीरिया वगैरह आसानी से कर लेते हैं, ये सस्टेनेबल है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि इनसे जो निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड या पॉल्यूशन होता है वो काफी हद तक कम होता है। अगर आप एनर्जी का लेक्चर कभी सुने हो या मेरा जानते हो तो मैंने ये चीज अपनी बुक में भी बताई है, अगर वही जब कम टेम्परेचर कम रेट से चलता है, यानी जब हम गाड़ियों को चलाते हैं दोस्तों तो कभी जो हमारी व्हीकल होती है वो स्लो रेट से चलती है, कभी फास्ट रेट से चलती है, जब एक्सेलेरेटर कम लेते हैं तो वही पेट्रोल डीजल होता है वो गंदी तरीके से चलता है, और जब गंदी तरीके से फ्यूल चलता है दोस्तों तो पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा होता है। अगर उसी को हम एक्सेलेरेट करते हैं, पॉल्यूशन के रेट को बढ़ा दें तो यहां पर क्या होता है, यानी अगर फ्यूल अच्छी तरह से जले तो पॉल्यूशन का लेवल कम होगा। यही बेनिफिट है दोस्तों कि जो बायोफ्यूल होते हैं उनके फ्यूल अच्छी तरह से जलते हैं, इसीलिए यहां पे लिखा जा रहा है तकरीबन 60% लेस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यानी एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ के लिए काफी हद तक ये बेहतर है। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बायोडीजल डीकंबशन से, वहां लिखा गया एप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ एनर्जी ऐसी है जो किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकलती है, उसके अपेक्षा 90% एनर्जी यहां भी जनरेट होती है, यानी पूरी तरह से इक्वल नहीं है लेकिन 90% की इक्वली हम यहां पर एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। ओके आगे बात करते हैं, यहाँ के अगर हम बाई प्रोडक्ट की बात करें इसमें मिथाइल एस्टर और ग्लिसरीन टाइप की चीजें निकलती हैं जिनको हम फर्दर बाय डीजल वगैरह में प्रोड्यूस में हम कर सकते हैं, इसके अलावा इनको सोप या साबुन वगैरह बनाने में भी किया जा सकता है। तो बाय डीजल भविष्य के लिए एक अल्टरनेटिव फ्यूल है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। अब आप समझते हैं वेजिटेबल ऑयल, रिसाइकिल ग्रीसेस, यहां तक कि एल्गी वगैरह भी आजकल बाय डीजल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपने 2017 का यूपीएससी का पेपर दिया है तो आप जानते हैं कि थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल में का क्वेश्चन जहां पर एल्गोइल कहते हैं, इसको आप मेरी बुक में जाके पढ़िएगा, एनर्जी के चैप्टर में मैंने इसको पूरी तरह से डिफाइन किया है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। तो एल्गोइल जो है दोस्तों ये थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल में आता है, जैसे बोट्रायोकॉकस, ब्राउनी, सायोकाइट्रियम, इस तरह के एल्गी के नाम मैंने लिखे हुए हैं, क्लोरेला, जो करीब उनके पूरे बॉडी वेट में 70% जो होता है वो लिपिड कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, और लिपिड में हम ट्रांस एस्टरीफिकेशन एक प्रोसीजर होता है जिसको करने के बाद हम लिपिड को बायोडीजल में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये ट्रांस एस्टरीफिकेशन प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, बट स्टिल वी पीपल ट्रांसफर। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि ये एक सस्टेनेबल मैथड है, तो बिल्कुल सस्टेनेबल मैथड है, इसको बनाने में काफी दिक्कत आती है तो ये भी बात सही थी, क्योंकि ट्रांस एस्टरीफिकेशन प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। ये क्वेश्चन 2017 के प्रीमियम पूछा गया था, और वहां पर उन्होंने ये भी बोला था कि एल्गा जो होते हैं सिर्फ वो ओशन में ही होते हैं, ये कॉन्टिनेंट पर नहीं होते, यानी बायोडीजल अगर एल्गा से बनाना है तो कॉन्टिनेंट से नहीं बनेगा, गलत था दोस्तों, मैंने इस चीज को बताया भी है कि एल्गा जो होते हैं वो हर जगह के वाटर में मिलते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे वो मराइन हो, यानी कॉन्टिनेंट से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। उस प्रोसेस का नाम जिससे डीजल बनाते हैं एल्गा से या बायोडीजल इस प्रोसेस से, जैसे जट्रोफा है, पोंगेमिया है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बायोडीजल पौधे हैं, प्लांट हैं जिनसे लिपिड लेकर हम उनसे ट्रांस एस्टरीफिकेशन प्रोसेस कर बायोडीजल बनाया जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो हमने वर्ल्ड बायोफ्यूल जनरेट किया है और मतलब सेलिब्रेट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो इंडिया की मेन बॉडी है, ओके 10 अगस्त 2017 को ये सेलिब्रेट किया गया है, इसके पूरे पीछे रीजन क्या है मैंने आपको सारी चीजें यहां बता दी हैं। रॉल डीजल ने सबसे पहले पीनट ऑयल के बेसिस पर जो उन्होंने इंजन चलाया था, मैकेनिकल इंजन, उसी डे को ही हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैथेनॉल एक अच्छा ऑप्शन है, एक चीपर फ्यूल है, और दूसरी चीज एक इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन फ्यूल है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो प्लांट डिराइव फ्यूल होते हैं वो अच्छी तरह जलते हैं, यानी उनसे पॉल्यूशन काफी हद तक कम होता है। गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने, नीति आयोग ने स्टडी मतलब ऑटोमोबाइल स्टैंडर्ड को और अच्छा करने के लिए, मतलब पेट्रोलियम आते प्रोडक्ट को देखने के लिए, उन्होंने बोला कि भाई चाइना जैसे कंट्री में मेथेनॉल का यूज बहुत ज्यादा होता है एज एन अल्टरनेटिव, तो हम इंडिया में भी इन चीजों को क्यों नहीं लाते हैं, इवन इन चीजों को क्यों बूस्टअप नहीं करते हैं? आपको बताऊं दोस्तों, इंडिया जो है मैथेनॉल को सऊदी अरबिया और ईरान से एट प्रेजेंट इंपोर्ट कर रहा है, वहां से मंगा रहा है। आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है दोस्तों जिसको हम कहते हैं गैसोहॉल। गैसोहॉल जो होता है आप हमेशा याद रखना, ये गैसोलीन, ओके, गैसोलीन और प्लस प्लस एथेनॉल का मिक्सचर होता है। आप देखना, मैंने बुक में मेंशन किया हुआ, जिन लोगों ने बुक पढ़ा है आज सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। 90% गैसोलीन और 10% एथेनॉल के मिक्सचर को एक आइडियल गैसोहॉल बोलते हैं। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, हमारे इंडिया में गैसोलीन यूज नहीं करते, गैसोलीन की जगह हमारे इंडिया में हम पेट्रोल बोलते हैं। तो वही बात हो रही है कि अगर हम एथेनॉल 10% मिलाते हैं तो पेट्रोल जो होता है एक तरह से कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जिससे उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। आप देखना, मैंने बताया ऑक्टेन नंबर के बेसिस पर ही पेट्रोल की ग्रेडिंग होती है। इस पे साइंस रिपोर्टर पे भी बहुत अच्छा आर्टिकल रहा है, अगर आपने साइंस रिपोर्टर मेरा सुना हुआ है पूरी तरह से तो आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। मेथेनॉल को देखो, गैसोलीन जो है मेथेनॉल के साथ हम मिलाकर उसको यूज करते हैं, लो क्वांटिटी, देखो आप खुद ही देखो, एथेनॉल मेथेनॉल टाइप का परसेंटेज सिर्फ 10% ही रखते हैं, और ये रोड व्हीकल्स वगैरह के लिए बहुत अच्छी ब्लेंडिंग है, और इस टेक्नोलॉजी को हम कॉमर्शियल भी कर सकते हैं, और एटलीस्ट अगर हम देखें तो मेथेनॉल एक तरह से डीजल के सब्स्टिट्यूट्स के रूप में आ सकते हैं, जो गाड़ियों में क्या करेंगे, अच्छे लेवल पर फ्यूल देंगे, सॉरी एनर्जी देंगे, जिसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ओके, और पोल्यूशन भी काफी हद तक कम होगा। मेथेनॉल को एक्चुअली मिलाने से क्या फायदा होता है, मैंने आपको पहले ही बोला था, इससे पोल्यूशन भी काफी कम होता है, इस जो फ्यूअर स्मॉग की जो कंडीशन होती है दिल्ली वगैरह में काफी प्रॉब्लम होती है, इसके अलावा दोस्तों ये काफी कम हो जाएगा, इसके अलावा सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होंगे, काफी कम हो जाएंगे हमारे अगल बगल। दूसरा, हाई ऑक्टेन व्हीकल फ्यूल जो होगा इसकी ऑक्टेन प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, और मैंने अभी बोला है अगर ऑक्टेन नंबर ज्यादा है, आपको बताऊं दोस्तों जो पेट्रोल की क्वालिटी होती है, आप बिल्कुल बुक पढ़िए, वो ऑक्टेन नंबर से चेक होता है, और जो डीजल की होती है वो सीटेन नंबर से चेक होता है। तो अगर ऑक्टेन नंबर की बात हो रही है, इसका मतलब पेट्रोल की क्वालिटी बढ़ने की बात हो रही है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हुआ है, साइन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एफिशियंसी अप्लाइंसेस के लिए। दोस्तों आप सब जानते हैं, आज हम दो तरीके से एनर्जी को और ज्यादा स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, पहला जहां सरकार एनर्जी जनरेशन में काम कर रही है, और दूसरा जहां सरकार एनर्जी कंजर्वेशन में काम कर रही है, यानी वही 100 वाट का येलो वाला इनकंडेंसेंट बल्ब आगे चलकर सीएफएल हुआ, और आज वही सीएफएल आगे चल के एलईडी हुआ। लाइट उतनी है, उससे ज्यादा है, पर वाट्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, आज 6 वाट और 8 वाट का बल्ब हो गया है, जबकि वही कभी 100 वाट का हुआ करता था। तो उसी केस में आपको बताऊं, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करता है, वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, जो कि ओएमसी के साथ यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आते हैं। ये क्या करेंगे, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इसके लिए देखो उजाला स्कीम लाया गया है, और उजाला स्कीम आप देखो आपके मेंस के पेपर में 2016 में उजाला आपके पेपर में आया हुआ है, कि भारत में उजाला, मतलब उजाला न देकर उन्होंने पूछा था कि एलईडी को बूस्टअप करने के लिए भारत में क्या प्रयास हो रहे हैं, तो वहां पे डीएलपी डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटनिंग प्रोग्राम और दूसरा उजाला, इन दोनों को मर्ज करके आपको मेंस का आंसर लिखना था। प्लीज इस वीडियो को आप ढंग से सुनिए, ये वीडियो आपको पूरा मेंस में आपको सपोर्ट करने वाला है। इस एग्रीमेंट के साथ आपको बताऊं, इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जो सरकार के साथ काम कर रही है, और इस तरह की एलईडी और इस तरह के एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, एसवीसीएल, इसके साथ ये सारे के सारे एलईडी बल्ब को आज डिस्ट्रीब्यूट करती है बहुत ही सस्ते रेट पे। उजाला स्कीम के बारे में यहां पर थोड़ा सा आपको पता होगा कि ये पूरी तरह से एलईडी को बूस्ट अप करने की कोशिश है, और एक तरह से बहुत सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की ऑफिसेज हैं वहां पे भी इन चीजों को वीकली हाट या मार्केट लगाकर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जैसा कि मोदी साहब ने बोला था, ये ऐसा न्यूज था दोस्तों, कि आप किसी पेट्रोल पंप पर सस्ते रेट पर आप चाहे तो एलईडी बल्ब ले सकते हैं। अगर इवन आपके पास पैसे नहीं है, आप वीकर सेक्शन में है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगी उसमें 10 या 12 सेगमेंट में, अगर मान लो आपके 200 रुपए का एलईडी बल्ब होता है तो 10 महीने यानी 20-20 रुपए कर आपको आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल में जोड़कर आ जाएगा, तो आप आसानी से बियर कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी को आप बचा सकते हो, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगी, ओके, और राष्ट्र की इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। 2022 में रूफ टॉप
सोलर है ना, सोलर प्रोजेक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा एक टारगेट बनाकर लाया गया है। जैसा कि आप लोगों को बताऊं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह हैं जहां पे छत जो रूफ जो होती है उसके टॉप पर हम सोलर पैनल को लगा सकते हैं, इवन उसका कोई यूज नहीं है। और इस तरह करके हम 2022 का एक हमारा टारगेट है जो सोलर एनर्जी को हमें अचीव करना है, उसमें 100 गीगावाट सोलर पावर को जनरेट करने की बात की गई है, और जो क्षमता हम पूरी कर सकते हैं 60 गीगावाट जो होगा वो नॉर्मल यूटिलिटी से आएगा, और तकरीबन कह रहे हैं 40 गीगावाट हम रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन कर छत के ऊपर लगाकर, लैंड की बात नहीं कर रहे हैं, वो वाला तो करीब 60 गीगावाट है, और ये 40 गीगावाट रूफ टॉप होकर के हम पूरी बिल्डिंग बिल्डिंग के छत पर, वो बिल्डिंग कॉमर्शियल भी हो सकती है, वो बिल्डिंग रेजिडेंशियल भी हो सकती है। और भारत का सोलर एनर्जी मिशन जिसको मोदी साहब ने सेफरन रिवॉल्यूशन का भी नाम दिया है, उस वो पूरी तरह से सफल करने की कोशिश की जाएगी। इसमें एक अल्टरनेटिव एक तरीके से ग्रिड कनेक्शन की बात हो रहा है, जो सरकार आपको ग्रिड कनेक्शन देगा। यहां पर भी आपके पेपर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड, ये बात फिलहाल मेंस का है, पीटी में बात नहीं करेंगे, मेंस के टाइम में बात करेंगे भारत में सोलर एनर्जी कैसे ऑन ग्रिड हो सकती है और भारत में सोलर एनर्जी कैसे ऑफ ग्रिड हो सकती है। फाइन, रूफटॉप सोलर प्लांट की बात करें तो यहां पर एक अच्छा खासा एरिया हमें मिल सकता है छतों पर जो रूफ है और जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसमें इसके बारे में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत अभी नहीं है, इसका मार्केट पोटेंशियल कितना है, प्रीलिम्स के लिए इतना बहुत है। यहां पर कोशिश ये करनी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसको हम कंजर्व करें ताकि इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद ना हो। इसके अलावा दोस्तों, जो डिफरेंट तरह के रेडिएशन होते हैं, जैसे रेडियक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर हादसे हुए हैं जो इस दुनिया में हुए हैं, ओके, जो ह्यूमन की गलतियों से हुए हैं, बहुत सारे कुछ नेचुरल वजह से भी हुए हैं, इनसे जो रेडिएशंस निकलते हैं दोस्तों, ये रेडिएशंस आप ये मत सोचेगा कि सिर्फ वो हमारे लिए नुकसान करते हैं, इवन इन रेडिएशंस के फायदे भी हैं। क्या पता आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि रेडिएशन टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है, इवन भारत में जो कई डिपार्टमेंट है जो काम करते हैं, कई ऐसे सेंटर्स हैं जो काम करते हैं, इन रेडिएशंस को जनरेट कर इनको डिफरेंट तरीके से इनके पॉजिटिव यूजेस में भी लाते हैं। क्या है वो चीज, उसके बारे बात करते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ मिलकर काम कर रहा है, या ओवरऑल इसका एक लैबोरेटरी है वैसे बोल सकते हैं, इसने एक टेक्नोलॉजी को, मतलब इस तरह के रेडिएशन टाइप की टेक्नोलॉजी को विकसित किया है, तो फसलों को, मतलब फलों को, सब्जियों को प्रिजर्व करने के लिए, डिफरेंट तरह के हाइजिंग कंडीशन को बचाने करने के लिए, ताकि फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम रेडिएशन के द्वारा बचा सकें, वो डिटोरियोरेट ना हो, उनमें कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन ना हो, इनसे उनकी लाइफ जो होगी बढ़ जाएगी। जैसे कोई फ्रूट्स है, कोई वेजिटेबल है, कोई सीरियल है, कोई पल्सेस है, कोई मसाले स्पाइसेस हैं, सी फूड्स हैं, मीट प्रोडक्ट्स हैं, ये खराब नहीं होंगे। साथ ही साथ कोई बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट, पेस्ट है, उसको हम एलिमिनेट भी कर लेंगे, उनको हम इनएक्टिव भी कर देंगे, और कोल्ड और क्लीन प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है कम करने की, इस तरह के स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम पूरी तरह से पैकेजिंग जो है इसकी मदद से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यूनिट थ्री है स्पेस टेक्नोलॉजी। यहां पर आप सबको बता दूं, ट्रैपिस्ट 1, जिसके बारे में जनवरी मंथ के साइंस रिपोर्टर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप जनवरी मंथ का साइंस रिपोर्टर जरूर सुनिएगा। ये ऐसा एक सोलर सिस्टम है जो तकरीबन, जहां पर 7 अर्थ साइज के प्लैनेट्स हैं, और ये हमारी पृथ्वी से तकरीबन 40 लाइट ईयर दूर है, और यहां पर ये डिफरेंट तरह के जो 7 जो अर्थ साइज है, इनमें से कुछ ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से लाइफ की पॉसिबिलिटी है। तो ट्रैपिस्ट 1 बिल्कुल याद रखेगा, और ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप साइंस रिपोर्टर जनवरी मंथ का जरूर पढ़ें। जनवरी मंथ का साइंस रिपोर्टर पूरे 2017 का ईयरली कॉन्क्रीट है। ओके, आरएसएस 1H के बारे में बात करते हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों, ये भारत का, इसका पूरा नाम आप सब जानते हैं, इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको हम आज इंडिया में नावी के नाम से भी जानते हैं। इसका पूरा नाम है नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिलेशन, NAVI, नेविगेशन, आई फॉर इंडियन, सी फॉर कॉन्स्टिलेशन। पहले इसमें टोटल 7 सैटेलाइट लगाने की बात थी, लेकिन इसमें और 2 बढ़ाकर अब टोटल 9 सैटेलाइट लगाए जाएंगे, और ये भारत की बाउंड्री के बाहर तकरीबन 1000 से 1500 किलोमीटर का एरिया, ये जो लैंड वाला एरिया आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैं कौन से पिक्चर को बता रहा हूं, यहां तकरीबन ये 10 मीटर रेजोल्यूशन पर, और ये जो ओशन वाला एरिया है यहां पे तकरीबन 20 मीटर रेजोल्यूशन से हमारे इंडिया को देखेगा, और उनकी उनकी एक जीपीएस सिस्टम देगा, एक हेल्प करेगा, जो इंडिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा होगा। इस तरह की जरूरत हमें कारगिल वार के समय थी दोस्तों, हमने नॉर्थ स्टार, एक अमेरिका का जीपीएस है, उसकी हेल्प मांगी थी हमने यूएसए, इस समय
उस समय कारगिल के टाइम में दोस्तों दुनिया में सिर्फ एक ही जीपीएस सिस्टम था जिसका नाम था नेविगेशन सैटेलाइट अरेंजिंग यूएस बेस्ड। 1970s के आसपास ये लगाया गया था और यूएस ने बिल्कुल भी कारगिल के टाइम में हमें उसका डेटा देने से मना कर दिया था। फाइन, तो भारत उस समय के बाद भारत को समझ में आया कि भारत को इस तरह के एक जीपीएस की जरूरत है और भारत ने अचीव भी किया है। आइए दोस्तों, उसमें आईएनएसएस 1A जो पहला सैटेलाइट था जो हमने भेजा था उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाने की वजह से हमने उसको चेंज करने के लिए 1H भेजा था जो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। बाद में वो भी सक्सेसफुल हो गया है, आज हमने 1H को सक्सेसफुल कर लिया है। उसके बारे में बात करते हैं, इंडिया का 8th नेविगेशन सैटेलाइट है। मैंने पूरी बैकग्राउंड आपको दे दी है। 7 भेजने के बाद 1A को रिप्लेस करने के लिए 1H को भेजा गया था। इसमें इसका जो हीट सील्ड था वो ओपन नहीं हुआ था। ओके, हीट सील्ड वो एक कैरेक्टर है जिसकी मदद से हम सैटेलाइट्स को हीट में बचाकर और इसको प्रॉपर तरीके से हम अपने ऑर्बिट में लगा सकते हैं। हीट सील्ड मतलब हीट से प्रोटेक्शन की बात होती है, जिसको पीएसएलवी C39 की मदद से भेजा गया था। तो ये पूरी तरह से अनसक्सेसफुल था। इसके बारे में यूपीएससी को बिल्कुल भी पूछने की जरूरत नहीं है और पूछेगा भी नहीं इसरो। ये पूरी तरह से आपको समझ आ गया। ये एक्चुअली जो आईआरएनएसएस में जो 7 सैटेलाइट्स हैं और बाकी जो आगे फ्यूचर में भेजे जाएंगे सबका लाइफ स्पैन 10 साल मिनिमम है। और यहां भी मैंने बोल दिया आईएनएसएस 1A को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि 1A में दोस्तों रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक जो है वो फेल हो गया था, इसीलिए 1A को रिप्लेस करने के लिए 1H की जरूरत पड़ी थी। एटॉमिक क्लॉक होता क्या है छोटा सा मैं आपको बता दूं दोस्तों। जीपीएस के केस में आपको बताऊं कुछ चीजें हैं, अगर आप ऑफ रिलेटिविटी को समझते हैं तो उस कंसेप्ट के थ्रू ये जो आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट है, अगर आप कभी पार्टिकल फिजिक्स के वीडियोस को सुनेंगे मेरे या मेरी बुक को देखेंगे, वहां मैंने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को ढंग से समझाया है। क्योंकि जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बेस पे ही ग्रेविटेशन वेव की बात हुई थी। और आपको मैं बताऊं दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ना एटॉमिक क्लॉक, ये ऐसी चीज है जो कि समय के साथ होता क्या है, जब हम जीपीएस को यूज करते हैं तो हर दिन जीपीएस में क्या होता है एक टाइम पे जाके समय को सेट करना पड़ता है। नहीं तो ऐसा होगा कि आज जो लोकेशन मेरा मान लो नोएडा सेक्टर 74 दे रहा है, कल यही जगह सेक्टर 74 ना होके हमेशा ये 79 दे रहा होगा, थोड़ा बगल शिफ्ट हो जाएगा। तो उतना एरिया जो हमारा जो मिसगाइड हो जाता है, जो जीपीएस में जो सिग्नल या लोकेशन देने में दिक्कत आती है, तो हमेशा उसी सेटिंग करनी होती है। तो मेरा कहने का मतलब है एटॉमिक क्लॉक क्या होता है, ये प्रॉपर जीपीएस में लोकेशन को फिक्स करने का एक तरीका है जिसमें एरर्स के चांसेस कम होते हैं। तो उसको शॉर्ट में तो अभी मैं इतना ही बता रहा हूं। तो उसी क्लॉक को फेल हो जाने से लोकेशंस में प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी और प्रॉपर चीजें नहीं आ रही थी। और ये बहुत जरूरी है दोस्तों, बारे में लिखा भी कि क्लॉक्स आर इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड द एक्यूरेट पोजिशनल डेटा। ओके, इसके पीछे पूरा जो सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन का खर्चा है ₹1420 करोड़, यानी 1420 करोड़ रुपीज का एक्सपेंडिचर है। इसमें 1H के बाद आगे फ्यूचर में 1I भी भेजा जाएगा। फिलहाल 1H सक्सेसफुली भेज दिया दोस्तों, लेकिन वो अगले आगे के मंथ में आपको बताऊंगा, यहां तक नहीं भेजा गया था, यहां पर फेल हो गया था। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट के बारे में। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। अगर आपने निसार प्रोजेक्ट का नाम भी सुना होगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसको भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहते हैं, इसको भी हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये भी 2021 के आसपास काम करेगा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला है, जो नासा और इसरो मिलकर काम कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है दोस्तों कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट में ऑप्टिकल इमेजिंग डिटेक्टर अरे लगाए गए। अरे क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ डिटेक्टर को मिलाकर हम अरे कहते हैं। ओवरऑल अगर हिंदी में आप जाओ अरे का मतलब देखो तो एक सजावट होता है। तो ऑप्टिकल इमेजिंग डिटेक्टर को बहुत सारे डिटेक्टर्स को एक साथ मिलाकर लगाया गया है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट के अंदर। ओके, अब बात होती है इससे फायदा क्या होने वाला है, बेनिफिट क्या होने वाला है। एक्चुअली दोस्तों ये क्या करेगा, जिस पिक्चर या सीन को ये देखेगा ना उसको बहुत ही अच्छे कलर और कैमरा के थ्रू बताएगा, और अर्थ ऑब्जर्वेशन है तो अर्थ के बारे में हमें अच्छे खासे इंफॉर्मेशन देगा। तो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अर्थ पे किस तरह की एक्टिविटी या किस तरह की चीजें चल रही हैं। एक बहुत ही अनोखी चीज हुई है दोस्तों, अगर आप देखो अमूमन जब हम पीएसएलवी और जीएसएलवी की बात करते हैं तो हम ऐसे फ्यूल या प्रोपेलेंट की बात करते हैं जैसे HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, जैसे UDMH, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन, और प्लस इसके अलावा जो ऑक्सीडाइजर यूज करते हैं नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, इन सब चीजों को हम यूज करते हैं जो हम पीएसएलवी और जीएसएलवी में प्रयोग में लाते हैं। लेकिन यहां पर आपको मैं बताऊं, ये जो फ्यूल है, ये प्रोपेलेंट्स है, यहां पर वाटर को यूज किया गया है।
तो ये भी अपने आप में बहुत ही अनोखा है। आप शायद प्रोपेलेंट जानते होंगे दोस्तों, प्रोपेलेंट फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को मिलाकर बोला जाता है। ऑक्सीडाइजर वो ऑक्सीजन जो फ्यूल को जलाता है। आप खुद जानते हो ऊपर अगर आप जाओ स्पेस में तो वहां ऑक्सीजन नहीं होते हैं, इसीलिए जब हम नीचे से जब हम फ्यूल के साथ जब हम लॉन्च व्हीकल के अंदर लॉन्च व्हीकल के साथ जब हम सैटेलाइट को लोड करते हैं तो लॉन्च व्हीकल में फ्यूल के साथ ऑक्सीडाइजर भी होता है, ताकि ऑक्सीडाइजर हमेशा ऑक्सीजन ऊपर मिलता रहे और फ्यूल हमेशा जलता रहे। आप लोगों को शायद पता होगा हम लोगों ने छोटे पर क्या एक्सपेरिमेंट हम लोगों की बुक में पढ़ाया जाता था कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द बर्निंग ऑफ फ्यूल। आप मुझे बताओ हाइट पर ऑक्सीजन कहाँ है? काफी कम है। तो इसीलिए यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर नाम जो है दोस्तों प्रोपेलेंट यूज किया जाता है। तो आप फ्यूल बिल्कुल ना बोला करें, किसी मिसाइल में किसी लॉन्च व्हीकल में प्रोपेलेंट इज द करेक्ट टर्म। अब पुरुडे यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की है, अगेन आई रिपीट पुर्ड्यू यूनिवर्सिटी, PURDUE, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन पुर्ड्यू यूनिवर्सिटी जो यूएस की है, उसने डिजाइन और टेस्ट किया एक माइक्रो प्रोपल्शन सिस्टम, ओके, जहां पर लिक्विड वाटर को एज अ प्रोपेलेंट यूज किया गया है, किसी ऑर्बिट में एक छोटे से सैटेलाइट को जिसका नाम क्यूब सैट है। तो अगर आपके पेपर में क्यूब सैट आता तो याद रखना ये एक छोटा सा टाइनी सैटेलाइट है जिसको वाटर की तरह के प्रोपेलेंट की मदद से भेजा गया है। यहां पर जो है जो थ्रस्टर यूज किया गया है उसमें फेमटा करके थ्रस्टर को लगाया गया है। थ्रस्टर क्या होते हैं दोस्तों, जब सैटेलाइट्स को हम ऑर्बिट में लगा रहे होते हैं तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब वो शिफ्ट करता है तो उसमें थ्रस्टर या बूस्टर होते हैं जो उसको थोड़ा सा धक्का मारते हैं, यानी पुश करते हैं। तो जो फेमटा जो यहां पे थ्रस्टर लगाया गया उसका नाम है फिल्म इवेपोरेशन MEMS ट्यूनेबल अरे, ओके, इसकी मदद से इसमें क्या होता है, छोटे से कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरी आप जानते हो ना, छोटे 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 होल्स होते हैं, मतलब पाइप की तरह होते हैं, और उनसे लगातार पानी जो होता है चढ़ रहा होता है, जैसे कपड़ों को आप पानी में रखो कॉटन के तो धीरे धीरे पानी चढ़ रहा होता है कैपिलरी एक्शन से। एग्जैक्टली यहां पर भी कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या होता है, एकदम ह्यूमन के हेयर के बराबर छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये प्रोपेलेंट होता है वाटर वो ऊपर चढ़ रहा होता है एज अ फ्यूल और उसको हम यूज करते हैं। यहां एक्चुअल में जो वाटर यूज होता है उसको हम स्मॉल हीटर होता है जो इसमें लोकेट होता है, उस हीटर की मदद से ही कैपिलरी से होता है कि पानी ऊपर चढ़ रहा होता है। तो ये क्यूब सैट याद रखना दोस्तों, बहुत ही अनोखा सैटेलाइट है जहां वाटर एज अ प्रोपेलेंट यूज किया गया है। आते हैं दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था इस साल के लिए भी दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देखिए आपके पेपर में एसओ सैट पे भी क्वेश्चन आ चुका है 2016 में, आप मंगलयान पे भी देखो क्वेश्चन आ चुका है। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। इसको और ज्यादा डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो निसार प्रोजेक्ट का एक वीडियो स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म में मैं आज से 4 साल पहले बना चुका हूं और निसार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से 40-50 मिनट्स का वीडियो है जो मैंने वहां कराया हुआ है। ओके, फिलहाल यहां हम शॉर्ट में आते हैं। निसार प्रोजेक्ट का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, 2021 में इसे लगाने की बात हो रही है। फिलहाल नासा और इसरो मिलकर 2008 से ही पीसफुल पर्पस के लिए काम कर रहा है। आपको बताऊं दोस्तों, जो भारत ने चंद्रयान 1 भेजा था उस चंद्रयान 1 प्रोजेक्ट में नासा ने भी भारत की हेल्प की थी और इंडिया और नासा के बीच में जो कगार है, जो कोऑपरेशन है, जो अरेंजमेंट है वो वैलिड है टिल 2034 तक, दोनों मिलजुल कर स्पेस में रिसर्च करेंगे। सबसे पहली बात आपको बता दूं, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार में कुछ चीजें अमेरिका बनाने वाला है, कुछ चीजें इंडिया बनाने वाला है। दोनों में दो अलग अलग ट्रांसपोंडर हम लगाने वाले हैं। ट्रांसपोंडर वो होते हैं जो हम सैटेलाइट्स में लगाते हैं जिसकी मदद से सैटेलाइट कोई काम करते हैं। ओके, फिलहाल फिर मैं बोलूंगा निशार के वीडियोस को आप स्टडी आईक्यू पे देख लीजिएगा। एस और एल बैंड ट्रांसपोंडर यहां लगाएगा, इसलिए इसको दो फ्रीक्वेंसी का ट्रांसपोंडर या डुअल फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। इसमें हम डिफरेंट तरह के रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं अर्थ के नेचुरल प्रोसेस को समझने में, क्योंकि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट होगा में मदद मिलेगी। यहां पे कुछ चीजें और है दोस्तों जो मैं आपको बताऊं कि ये जो होगा सॉइल मॉइस्चर की स्टडी करेगा, एग्रीकल्चर की स्टडी करेगा, फॉरेस्ट बायोमास की स्टडी करेगा, इकोसिस्टम में होने वाले स्लाइट चेंजेस को भी बताएगा, क्योंकि रिमोट सेंसिंग इतने बेहतर नहीं होते जितना बेहतर अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट होता है। आइस शेड की मेल्टिंग बताएगा, किस रेट से जो आइस है किसी जगह पे मेल्ट हो रहा है, इसके अलावा कोलैप्स हो रहा है। इवन यहां तक कहते हैं दोस्तों ये इतना सोफिस्टिकेटेड होगा कि अर्थ के अंदर जो हीट कन्वेंशनल करंट चलती हैं, जिसे हीट कन्वेंशनल करंट कहते हैं, ये हीट कन्वेंशनल करंट बढ़ने से ही क्या होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। तो अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनोज और लैंडस्लाइड की भी जानकारी हमें पहले ही दे देगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है दोस्तों, जहां भारत ने भी अभी काम करना शुरू किया है और बहुत ही बड़े बड़े विजन्स लेकर आया है, जिसकी बात करते हैं हम, क्वांटम सैटेलाइट की। चाइना ने
क्वांटम सैटेलाइट यूज किया है और जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, अब किस चाइना के सैटेलाइट्स को के डेटा को, जो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा ये यूज करते हैं, इनको हैक करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन की एक टेक्नोलॉजी है, इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी है, जिसको जिसमें क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। सो क्वांटम सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी को हम क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। चाइनीज रिसर्चर्स जो हैं, जो एक्चुअली जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं क्वांटम सैटेलाइट और इस तरह की चीजों को डेवलप करने के लिए, उसका नाम है क्वांटम एक्सपेरिमेंट एट स्पेस स्केल। अगेन आई रिपीट, क्वांटम एक्सपेरिमेंट एट स्पेस स्केल, जिसको QUESS प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ये पूरी तरह से अवेलेबल है और जो ट्रांसमिट करता है मैसेजेस वगैरह को स्पेस से अर्थ में, और पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से डेटा को भेजता है। यहां पर जो डेटा भेजा जाता है दोस्तों, वहां पर क्वांटम की होते हैं, क्वांटम लाइट की यूनिट होते हैं, सो क्वांटा कहते हैं। तो क्वांटा यानी लाइट बीम जो होता है, उसके थ्रू डेटा ट्रांसफर किया जाता है। लाइट बीम का मतलब हम कहते हैं फोटोन, यानी यहां पर जो डेटा ट्रांसफर किया जाता है उसका मीडियम जो होता है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, यानी फोटोन के द्वारा हम, यानी लाइट के यूनिट के द्वारा हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं, जिसको हैक कर पाना नामुमकिन है। ओके, QKD जो है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसमें दो डिस्टेंट यूजर्स होते हैं इसमें जिनकी मदद से काम करते हैं। वन, एक टाइम पैड इंक्रिप्शन होता है जो इंक्रिप्ट करके डेटा को भेजता है, और दूसरा उसको डिक्रिप्ट करने वाला था, यानी अगर आप कोडिंग और डिकोडिंग समझ सकते हैं सिंपल भाषा में, तो वो टर्म मैं यूज कर रहा हूं। और ये ऐसा इंक्रिप्शन है जिसको अनब्रेकेबल है, यानी कोई भी बीच में नहीं ले सकता है, नहीं सुन सकता है, और इस तरह की चीजें साइबर सिक्योरिटी में काफी बेहतर होंगी। किसी भी कंट्री का डेटा पूरी तरह से सेफ रहेगा। कम्युनिकेशन यूनिट 4 में आते हैं, जिसका चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में मैंने इसे ICT के नाम से लिखा है। यहां पर दोस्तों कमेटी एक बनाई गई है भारत में डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके लिए इस कमेटी को बनाने के लिए मतलब कार्य किया है, जिसका जो हेड है, जो कमेटी का जो सुप्रीम कोर्ट के जज है जस्टिस BN श्री कृष्णा को इसका हेड बनाया गया है, और इसी के द्वारा डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया जाएगा। यहां पर भारत क्या कर रहा है, जो हमारे डेटा है आज समय के साथ डेटा और बढ़ते जा रहे हैं। आज देखो आधार हो गया, डिजिटल लॉकर हो गया, सब कुछ इंटरनेट पे हमारे डेटा बढ़ते जा रहे हैं, उन डेटा को प्रोटेक्शन करने के लिए बिल लाएगा ये कृष्ण कमेटी जो है। एक्चुअली जो डेटा हमारा बढ़ता जा रहा है, जिसमें सारे इंफॉर्मेशन रखे जाते हैं इंटरनेट पर, उसे हम बिग डेटा के नाम से जानते हैं, यानी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। ये अस्ट्रक्चर्ड डेटा भी है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी है। डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी जो है 2016 में लाई गई है, जहां पर इसे लाने के लिए जो लाया गया है वो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने स्पेसिफिक कार्य किया है भारत में, और ये जो है एक तरह का डेटा एनालिटिक्स सेंटर बनाने की बात किया था, जो हमारे राष्ट्र में होगा, और जहां पर क्या होगा, जो नेशनल डेटा शेयरिंग एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी 2012 को फॉलो करेगा। फाइन, तो ये थोड़ा याद रखना, बिग डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी इसके लिए आ चुकी है, और यहां पर भारत में जो भी है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो इन चीजों को इसके लिए काम कर रहा है। ई रकम पोर्टल लॉन्च, जहां पर डिजिटल मनी, डिजिटल धन इस तरह की बात हो रही है, वहां पर आप खुद जानते हैं भीम ऐप की बात हो रही है, वहां पर ई रकम भी एक नया टर्म लाया गया है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, ई रकम एक पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है, जो ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी, इसका पूरा नाम है, ई रकम का नाम क्या है, ई रकम का पूरा नाम है ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी। ओके, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फार्मर्स के लिए है, और जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो होते हैं उनको बेचने का एक जरिया है, एक तरीका है, ताकि मार्केट को मतलब पूरी तरह से फार्मर्स को अच्छी तरह से उसका बेनिफिट मिल सके। यानी इसका पर्पस है कि कनेक्ट करना फार्मर्स को, एक छोटे से विलेज को, एक बड़े से मार्केट को, है ना, इंटरनेट के माध्यम से आप कह लो पूरी दुनिया के मार्केट को कनेक्ट करने में मदद करेगा। ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है जो साथ साथ फार्मर को, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, सिविल सप्लायर्स को और बायर्स को एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करेगा। ई रकम सेंटर जो होगा ये थ्रू आउट द कंट्री काम करेगा, और एक फेज बैनर में धीरे धीरे ये हम इसको बढ़ाते जाएंगे, ऑनलाइन सेल को और बढ़ाते जाएंगे, और यहां पूरा का पूरा जो मेड ऑफ पेमेंट होगा वो मोड ऑफ पेमेंट ई पेमेंट के थ्रू होगा।
आगे बढ़ते दोस्तों, इंडिया का पहला इंटरनेट ऑफ थिंग्स पॉलिसी जो है जो बनाई गई है और जिसपे न्यूज भी रहा है, जिसपे काम कर रहे हैं, आगे 2020 में एक बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, जो कि एक तरह से एक स्मार्ट इंडिया या डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं, इसके बारे में आप देखिएगा, इसके बारे में मैंने अपनी बुक में भी इंफॉर्मेशन दिया है। IoT पढ़ाने का टाइम नहीं है, मैं आपको सीधे करंट अफेयर्स पे आता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको DIT कहते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग पॉलिसी लाई है। इस पॉलिसी का मेन जो उद्देश्य है, जो डेवलप्ड हुआ है, इसका मेन उद्देश्य है कि इंडिया में IoT को इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करना है। और तकरीबन इंडिया में जो बेनिफिट है डॉलर के रिस्पेक्ट में, जो अर्निंग है, वो US $15 बिलियन के आसपास 2020 तक बढ़ा देने की बात हो रही है। और यहां पर एक इंडियन फोरम भी बना गया है, जहां पर कहा जा रहा है कि 2020 तक, इवन करंट अगर रेट से अगर देखा जाए तो तकरीबन, देखिए इसी को मैं पढ़ भी देता हूं, कि IoT इंडस्ट्री इन इंडिया टू रीच द मार्क ऑफ US $15 बिलियन बाई 2020 बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेज इन इंडिया फ्रॉम द करेंट 200 मिलियन टू 2.7 बिलियन बाई 2020। यानी जितने भी डिवाइसेज हैं जिनको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्ट कर सकते हैं, उनके नंबर जो 200 मिलियन के आसपास हैं, उनको हम बढ़ाकर 2.7 बिलियन तक पहुंचा देंगे 2020 तक। और इसकी मदद से IoT इंडिया में एक सोर्स ऑफ इनकम होगा, जो कि तकरीबन $15 बिलियन का एक मार्केट होगा। इंडिया का पहला पॉलिसी भी बनाया गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर, और ये पहली पॉलिसी जो है वो हमारे इंडिया में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को बूस्ट अप करेगा। व्हाट इज द पॉलिसी एंड हैज इन स्टोर, जो IoT इंडस्ट्रीज को लेकर काम कर रहे हैं, इसके बारे में आप ऑब्जेक्टिव्स में जो भी इंफॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया है। इसका पूरी प्लानिंग जो आपको बता चुका हूं, वो DIT ही कर रहा है, डिफरेंट तरह के रिसर्च के साथ कोलैबोरेट करके भारत में। और ये पॉलिसी जो आई है दोस्तों, ये सपोर्ट करेगा इंडिया में हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग में, जो IoT डिवाइसेस को लेकर काम करेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर काम करेगा। ये पूरी तरह से 100% ड्यूटी बेनिफिट होगा, ड्यूटी फ्री होगा, और ये अवेलेबल होगा रॉ मटेरियल्स वगैरह के लिए, जिससे IoT डिवाइसेस को ज्यादा से ज्यादा बनाया जा सके। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें मदद करेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बूस्ट अप करने के लिए और इसको पूरी तरह से सक्सेस करने के लिए। इंडिया का पहला IoT प्लेटफॉर्म जो है दोस्तों, उसके बारे में आपको बता दूं, होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स कंपनी है, जिसका नाम है स्मार्ट्रोन। तो स्मार्ट्रोन ऑब्जेक्टिव याद रखना, यह इंडिया का पहली ऐसी कंपनी है जो बता रही है कि मैं IoT पहली कंपनी हूं जो भारत में ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा हूं। और यह स्मार्ट्रोन जो है, इसने बनाया है, जो एक IoT बनाया है, उसका नाम है ट्रॉनेक्स। उसका नाम है ट्रॉनेक्स, TRONEX। ट्रॉनेक्स क्या है दोस्तों? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड IoT प्लेटफॉर्म है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हम मोबाइल फोन में सीरी को यूज करते हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, तो ट्रॉनेक्स एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड IoT प्लेटफॉर्म है। ये हमारी लाइफ को काफी इजी बनाएगा, हमारी लाइफ को बहुत ही स्मार्ट बनाएगा। ट्रॉनेक्स की बात करें तो एक इंटेलिजेंट इकोसिस्टम है, जो डिफरेंट तरह के रेंजेस पर हमें कनेक्ट करेगा डिफरेंट तरह के डिवाइसेस की मदद से। ट्रॉनेक्स के बारे में बात करें तो ट्रॉनेक्स भी कई तरह के, कई लेवल पर काम करेगा। ट्रॉनेक्स भी जो होगा, एक तो ट्रॉनेक्स पर्सनल है, जैसे ट्रॉनेक्स जो है वो ट्रॉनेक्स पर्सनल है, एक ट्रॉनेक्स हेल्थ है, एक है ट्रॉनेक्स होम, एक है ट्रॉनेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रा से लेकर है। आपातोति ट्रॉनेक्स पर्सनल जो है वो किस तरह के ऑफर करेगा, ये पर्सनलाइज एंटरटेनमेंट के लिए होगा, क्योंकि पर्सनल है, IoT के थ्रू कनेक्ट करेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, जिसमें ट्रेवल, शॉपिंग, फाइनेंशियल, हेल्थ, इवेंट, कम्युनिकेशन, कोलेबोरेशन, एक्सपेरिमेंट अक्रॉस द डिवाइस एंड कंटेस्ट, ये हमें हेल्प करने वाला है। ट्रॉन्स हेल्थ क्या करेगा, आप सब समझ सकते हैं, जो हमारे मेडिकल हिस्ट्रीज हैं उनके डेटा को रखेगा, इंश्योरेंस डेटा को रखेगा, ऑफर्स इंट्यूटिव प्रिवेंटिव सॉल्यूशंस फ्रॉम द रेंज ऑफ पार्टनर्स हु आर ऑलरेडी ऑन द बोर्ड, है ना, मतलब डिफरेंट तरह के डेटा को स्टोर करने वाला है मेडिकल और हेल्थ से जुड़े हुए, और एवरी मोमेंट ऑफ टाइम यू कैन एक्सेस, दोस्तों आप आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ट्रॉनेक्स होम के बारे में बात करें तो ये कंट्रोल लॉकिंग मैकेनिज्म है, जो डिफरेंट तरह की सिक्योरिटी अपडेट देगा। हमारे घर के अंदर डिफरेंट तरह के अप्लाइंसेज हैं, जो वाटर की सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज हैं, पेमेंट मॉड्यूल्स हैं, वहां पे IoT बेहतर तरीके से काम करेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ट्रांसेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, एक B2B सिस्टम है, बिजनेस टू बिजनेस, जहां शेयर टू शेयर की बात हो रही है, मार्केट की बात हो रही है। ये एक AI असिस्टेड सिस्टम है, जो कवर करेगा और मॉनिटर करेगा डिफरेंट तरह के मैनेजमेंट सर्विसेज को। आगे बात करते हैं, ICT फिगर 2017, यानी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 2017 का क्या डेटा आया है 2017 में। एज दोस्तों, इंडिया और चाइना
दुनिया में ऐसे कंट्री हैं जहां तकरीबन 39% या तकरीबन आप कह लो 830 मिलियन यंग पीपल वर्ल्ड वाइड, ओके वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। दुनिया में तकरीबन 40% लोग जो आईसीटी का यूज कर रहे हैं वो इंडिया और चाइना में रहते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए जो बॉडी है उसका नाम है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ITU। इसकी भी स्थापना एक तरह से UN ने ही की है। ओके दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। तो इसको देखते हुए सफिशिएंट इंक्रीज इन ब्रॉडबैंड एक्सेस और बढ़ाने की बात हो रही है सब्सक्रिप्शन चाइना को लेकर, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में भी है ना इसकी बात हो रही है। फिलहाल इसमें ऐसा कोई भी डेटा नहीं है जिसके बारे में आपको बताया जाए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता हो। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको जरूर बताऊंगा, यहाँ पर कोशिश ये हो रही है कि हाई स्पीड फिक्स ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन जो है डेवलपिंग कंट्रीज में उसको बढ़ाया जाए। 2017 में जो एक रिपोर्ट है दोस्तों कि अगर हम ग्लोबल इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट को देखें तो मेन जहां पर 50.9% के आसपास यूज करते हैं, फीमेल वहीं पर 44.9% ऑफ वीमेन इंटरनेट को यूज कर, यानी कहने का मतलब है मेन जो यूजर्स हैं वो पूरी दुनिया में इंटरनेट के वो ज्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्री न्यू एज ईमेल सर्विसेज, ये एक इंफॉर्मेशन रहा है। जैसे अगर पूछ दे गवर्नमेंट आपके एग्जाम में कि किस स्टेट ने या किस सीएम ने अभी रिसेंटली जो है फ्री ईमेल सर्विसेज लाया, तो ये याद रखना राजस्थान में वसुंधरा राजे गवर्नमेंट ने 2017 में ईमेल इवॉल्व फैसिलिटी एवरी सिटीजन के लिए अपने स्टेट में उपलब्ध कराया है। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट ब्रेन वेव के बारे में। प्रोजेक्ट ब्रेन वेव क्या है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोजेक्ट ब्रेन वेव को लॉन्च किया है, एक डीप लर्निंग एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगा। जैसे सोफिया एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करने के लिए प्रोजेक्ट ब्रेन वेव लाया गया, जिसे माइक्रोसॉफ्ट लेकर लाया है। अगर ये ऑब्जेक्टिव होता है तो इसे आप टिक कर दीजिएगा। ये प्रोजेक्ट ब्रेन वेव के बारे में एक लाइन और याद रखिएगा, ये एक FPGA है। तो प्रोजेक्ट ब्रेनवेव क्या है? एक तरह का FPGA है। FPGA क्या होता है? फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ये काम करता है, इसके बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है मोबाइल ऐप माई फास्टैग एंड फास्टैग पार्टनर। फिलहाल इस पे कोई बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं बनता है, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का यूज किया जाता है। जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ही रीडर का यूज करते हैं जब हम कोई बार कोड या जब हम मार्केट से कोई सामान, जब आप बिग बाजार जाइए या कहीं जाइए है ना, सेंट्रल मॉल जाइए, तो वहां पे वो जो कोडिंग होती है एग्जैक्टली यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक मिलेगा। प्लास्टिक मतलब ये कह लो कि एक क्या कह सकते हैं, जैसे आपके पास पासपोर्ट होते हैं, जैसे आपके पास कार्ड्स होते हैं, एग्जैक्टली कार्ड की तरह होगा, उसमें एक टैग लगा होगा और वो आप उससे लगातार वो रीड करके और ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। और ये जो भी चीजें हैं ये फिलहाल यहाँ पे मोबाइल ऐप के द्वारा होंगी, ठीक है। तो काफी हद तक आपका मोबाइल फोन आपका पूरा मतलब एक तरह का कार्ड होगा। आगे बात करते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो न्यूज भरी हैं। और अमूमन मैंने आपको हमेशा बोला है कि डिफेंस में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो जनरली करंट अफेयर्स पे बेस्ड होते हैं। ICGS सौर्या जो है वो कमीशन किया गया है। ICGS का मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सौर्या, अभी हाल ही में कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में वास्को में गोवा में। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया है और ये चेन्नई बेस्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशन कंट्रोल ऑफ कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन जो ईस्ट में है उस पर आधारित है। इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में एक चीज और याद रखिएगा, इसमें ट्विन इंजन है और ट्विन इंजन वाला ये लाइट हेलीकॉप्टर को लेकर चलता है। और दूसरी चीज, इसका जो है 5 हाई स्पीड बोट्स हैं जो इन पर हैं, जो मतलब कोस्टल एरियाज में भारत की सेफ्टी के लिए एक छोटी सी कोशिश है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया का पहला प्राइवेट मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी जो भारत में शुरू हुई है, इसके बारे में बता दूं कि इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर मिसाइल सबसिस्टम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम, यानी KRAS क्या है, एक पहला प्राइवेट मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी जो भारत में शुरू हुआ है, जिसको हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया है जो कि तेलंगाना का एक तरह से कैपिटल है। आगे बात करते हैं, इंडिया का कल्याणी ग्रुप जो है और इसराइल का राफेल जो है दोनों मिलकर इसके लिए काम कर रहे हैं। तो भारत के डिफेंस सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए ये एक तरीका है।
और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं ये किस तरह के इन्वेंशन, किस तरह के काम कर रहे हैं दोनों मिलकर। तो ये डिफरेंट तरह की डिजाइनिंग कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस तरह के वेपन सिस्टम को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे कि आप मान लो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बना रहे हैं, डिफरेंट तरह के रिमोट ऑपरेटेड सिस्टम बना रहे हैं, जैसे रिमोटली पायलटेड व्हीकल बना रहे हैं, इस तरह की चीजों को बनाने की कोशिश भारत में की जा रही है। आगे बात करते हैं नाविका सागर परिक्रमा। नाविका सागर परिक्रमा के बारे में बात करें तो ये प्रोजेक्ट जो है पूरी तरह से ये विमेन ऑफिसर्स हैं जो बोटिंग होती है। जैसे आप मैराइन इंजीनियरिंग को समझते हैं तो आप समझते होंगे कि बोटिंग होती है, ये लोग पूरा का पूरा ओशंस के अंदर होते हैं, पूरा एक मतलब एक ट्रायल होता है एग्जैक्टली। लेकिन इसके बारे में सबसे यूनिक चीज क्या है कि नाविका सागर परिक्रमा ये पूरी तरह से फीमेल बेस्ड था। ओके, और जो फीमेल बेस्ड जिस बोट के थ्रू ये गए थे उसका नाम था INSV तारिणी। ओके, ये पहला इवन इंडियन सरकम नेविगेशन है जो कि पूरी दुनिया में ग्लोबल है ना, पूरी तरह से वीमेन क्रू के द्वारा हुई है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट थोड़ा ज्यादा रह गया है। इसके पहले भी इसका जो सिस्टर वेकल था जिससे मिलता जुला जो वेसल था जो यूज किया गया था उसका नाम INS महादी था, महादी था दोस्तों, INS महादी था। तो इसके बारे में एक तरह से नारी शक्ति को लेकर एक तरह की बात है। तो नाविका सागर परिक्रमा, आई डोंट थिंक सो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, लेकिन आप नाविक सागर परिक्रमा याद रखिएगा, विमेन ऑपरेटेड वेसल था पूरी तरह से, इसमें कोई भी मेल नहीं था। तो विमेन सशक्तिकरण की बात है। इंडियन ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज, जहां पे इंडिया रशिया के बीच में ट्राई सर्विसेज हुए, एक्सरसाइज हुए, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के लिए है। ट्राई सर्विसेज 2017 में किया गया। ये एक्सरसाइज जो है विद द फॉरेन कंट्रीज के साथ मिलजुल के हमेशा भारत कर रहा है। ये इंदिरा एक्सरसाइज 2017 में जो हुआ था उसमें रशिया इंक्लूडिंग इन द माउंटेन्स व्लादिवोस्तोक रीजन, यानी रशिया में ये जो हुआ था, ये एक्सरसाइज हुआ था 2017 में इस तरह का। ओके, नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए और रोबोटिक्स से जुड़े हुए ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो यूनिट 6 से है दोस्तों, वहां पे बात करते हैं। एक टास्क फोर्स है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाया गया है, जिसको बनाया है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री श्रीमती निर्मला सीतारमन, उस समय कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थी। इन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफी हद तक ग्रोथ करने के लिए, जिससे इंडिया का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी इकोनॉमिक सेक्टर को काफी हद तक बूस्टअप किया जा सके। इसके अंदर जो है जैसे बिग डेटा को और ज्यादा पावरफुल बनाना, हाई कंप्यूटिंग कैपेसिटी करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और ज्यादा काम करना, वो एनालिटिक्स है। इंडस्ट्री 4.0 का एम है दोस्तों डिजिटलाइज जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यानी जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको काफी तरह से डिजिटलाइज करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमें कनेक्ट करना। ये पूरा का पूरा जो इसके जो मेंबर्स हैं जो मिलजुल कर काम कर रहे हैं, यानी कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो नीति आयोग भी इसके लिए काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके लिए काम कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके लिए काम कर रहा है, UID यानी आधार और DRDO, ये पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट है ये मिलजुल कर इसके लिए काम कर रहा है। कुछ नैनो मटेरियल को लेके बात करते हैं। कुछ ऐसे नैनो मटेरियल है दोस्तों जो कॉम्बैटिंग है क्लाइमेट चेंज के लिए एंड प्रिवेंट पोल्यूशन, है ना, पोल्यूशन को मतलब रोकने के लिए इनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ग्लोबली बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो डिफरेंट तरह के नैनो मटेरियल, नैनो धातुआ वगैरह बना रहे हैं दैट कैन इफेक्टिवली हेल्प रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और एक तरह से जो बायो रिमेडिएशन का प्रोसेस होता है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मदद से हम किसी पोल्यूशन को इन्वायरमेंट से दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको पता है तो बायो रिमेडिएशन वाला क्वेश्चन 2017 में माइक्रो रेमेडिएशन के नाम से पूछा था, जहां पे पूछा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हैवी मेटल को डिकम्पोज करते हैं, पूरी तरह से गलत था। ओके, तो यहां पे जैसे डाइज हैं, ऑयल स्पिल्स हैं, इन सबको हम नैनो मटेरियल की मदद से हम ठीक कर सकते हैं, बायो रेमेडिएशन कर सकते हैं, पॉल्यूशन जो होते हैं वहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से यूज करते हैं उनकी मदद से कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है नैनो मटेरियल में, नैनो टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं यूज हो सकती हैं। 2016 में भी एक क्वेश्चन जैसे पूछा गया, नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो जीन टारगेटिंग में यूज कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी मतलब जीन थेरेपी में यूज कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी जो होती है ये ड्रग टारगेटिंग में यूज कर सकते हैं। तो आजकल नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर भी यूपीएससी खूब सारे क्वेश्चन बना रहा है, आप 2016 में ये क्वेश्चन हूबहू देख सकते हैं। एक तरह का केमिकल रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज और एंटी माइक्रोवेल एक्टिविटी को चेक
नैनो मटेरियल की मदद से हम कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम कॉम्बैटिंग कार्बन एमिशन को हार्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं, वाटर को क्लीन कर सकते हैं दोस्तों, वाटर क्लीन कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस को हम फास्ट कर सकते हैं नैनो मटेरियल की मदद से। तो यानी इन्वायरमेंट में नैनो टेक्नोलॉजी का महत्व जो है वो भी अच्छा खासा बूस्टअप हुआ है। दुनिया का सबसे छोटा सर्जिकल रोबोट है जो बनाया गया है, जिसका नाम है दोस्तों वर्सियस। तो अगर पूछा है कि हाल ही में वर्सियस जो न्यूज में रहा है वो क्या है, VERSIUS, तो वर्सियस जो है दुनिया का सबसे छोटा सर्जिकल रोबोट है जो बनाया गया है, और ये पूरी तरह से 3D स्क्रीन आधारित है और ये पूरी तरह से हमारे शरीर में काम करता है। एक तरह से ये होता क्या, एक छोटा सा इंसिजन हमारी बॉडी में मतलब होता है जनरली, और उसके थ्रू ये बॉडी के अंदर जाकर, यानी एक ओपन इन्वेसिव सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सर्जरी में क्या होता है, हमारी बॉडी का पूरा पोर्शन कट होता है, फिर डॉक्टर ऑपरेट करता है, ऑर्गन को बाहर निकालता है, ये चीज इसमें नहीं है। इसमें बेनिफिट क्या है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि छोटा सा नैनो टाइप का एक नैनो सर्जिकल रोबोट होगा, बॉडी के अंदर जाएगा, टारगेटिंग करेगा और प्रॉपर साइट्स पर जाकर हमारे ड्रग वगैरह को टारगेट कर सकता है। तो वर्सियस याद रखना, वर्सियस आपके पेपर के लिए क्वेश्चन हो सकता है, इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान रखना। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट 8 में आते हैं, यूनिट 8 में ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पे ध्यान रखना, एक तो आपको विजय याद रखना पड़ेगा इस साल, सरोगेट काऊ, जिसका एक नाम है विजय। तो इंडिया का पहला जो काफ है, जो बछड़ा है, जो बॉर्न हुआ है सरोगेट काऊ से, उसका नाम क्या है, तो विजय है, जो हमने इंडिया में हाल ही में बनाया है, और ये इनविट्रो फर्टिलाइजेशन का एक अच्छा खासा उदाहरण है। ये एक तरह से मोबाइल लेबोरेटरी है, जिस मोबाइल लेबोरेटरी के द्वारा इस सरोगेसी को मतलब जनरेट किया गया है और एक काफ बनाया गया है, जो 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 पुणे है ना, इंदापुर पुणे महाराष्ट्र में ये काम किया गया है। इसके पहले भी इस तरह की कोशिशें भारत में हो चुकी हैं, जिसके लिए भारत में बहुत ही पॉपुलर एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। शायद आपको पता होगा इंडिया का पहला जो क्लोन बना था, जो बफेलो था, वो यहीं पर बनाया गया, करनाल हरियाणा में। फिलहाल ये अगली कोशिश है जहां पर हमने काऊ के मतलब काफ यानी बछड़े को हमने सरोगेसी के थ्रू जनरेट किया है, उसका नाम विजय रखा गया है। तो आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा विजय क्या है। एक ड्राफ्ट गाइडलाइन है जो स्टेम सेल रिसर्च के लिए है, थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि स्टेम सेल के मिसयूजेस होते हैं, हो सकते हैं, स्टेम सेल को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है। तो एक ड्राफ्ट गाइडलाइन जो है, जो भारत की तरफ से लाई गई स्टेम सेल रिसर्च के लिए, ये भी न्यूज में रहा है। फिलहाल ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मेंस के लिए ज्यादा पॉपुलर होते हैं, इसलिए मैंने बोला इस नोट्स को आप थ्रो आउट मत करना, इसको बचा के रखना, मेंस के टाइम में मेरे सारे वीडियोस आपको बहुत ही आसानी से आपको मेंस से क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम कर रहा है रिसेंटली, और इन चीजों को लेकर एक ड्राफ्ट गाइडलाइन लाया गया, स्टेम सेल रिसर्च 2017 का एक ड्राफ्ट गाइडलाइन बना है, जिसमें ICMR और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर काम किया है। इसकी कोशिश क्या है दोस्तों, कि जो हम स्टेम सेल का है उसका एथिकल और साइंटिफिकली रिस्पॉन्सिबल मैनर में यूज करें, यानी हम एथिकल मतलब मिसयूज ना करें, इस तरह की चीजें। बाकी स्टेम सेल की टेक्निकल पार्ट को मैं यहां नहीं ले रहा हूं, सिर्फ कंसेप्चुअल पार्ट को ले रहा हूं। इसके अंदर एक नेशनल एपेक्स कमेटी है जो स्टेम सेल रिसर्च और थेरेपी के लिए काम कर रही है, और यही करंटली मॉनिटर करती है। आज के बारे में बात करूं तो यही पूरे राष्ट्र में स्टेम सेल के रिसर्च और काम को क्या कर रही है, को मॉनिटर कर रही है, उसको देख रही है, हो सकता है स्टेम सेल का मिसयूज भी हो सकता है। यूनिट 9 में आते हैं दोस्तों, हेल्थ एंड डिजीज में ऐसे कौन से टॉपिक है जो न्यूज में रहे हैं। तो पहले हम यहां पे बात करते हैं, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड जी का वैक्सीन जो बनाया गया है, इसे साइंटिस्ट जो US के उन्होंने बनाया है, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड जी का वैक्सीन, जो कि ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा सेफर है और ज्यादा चीपर भी है। इसे दोस्तों जो बनाया गया है वो टोबैको के अंदर बनाया गया है, फाइन। और एक तरह मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है बायोटेक में, कभी बुक में आप जाना, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एडिबल वैक्सीन, जहां पर मैंने आपको मॉलिकुलर फॉर्मिंग पढ़ाई है या फार्मास्यूटिकल वाली फॉर्मिंग मतलब बुक में दी हुई है बायोटेक में, वहां मैंने बताया हुआ, और मैंने ये भी बताया हुआ टोबैको ही ऐसा प्लांट है जहां सबसे पहले एडिबल वैक्सीन भी बनाया गया था अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। अब देखो यहाँ पे जीका वायरस के बारे में, जीका उसी मॉस्किटो से फैलता है जिससे
डेंगू फैलता है, ये क्वेश्चन 2016 या 17 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ एडीज मॉस्किटो से होता है ये ट्रांसमिट, जो डेंगू जो जिस जिस एडीज मॉस्किटो से डेंगू ही नहीं मतलब जीका ही नहीं डेंगू वेस्ट नील फीवर येलो फीवर ये सारी बीमारियां देता है। क्या पता आ जाए कि इनमें से एडीज कौन कौन सी डिजीज देता है, तो ये तीनों याद रखना दोस्तों। इसके अलावा शायद आपने चिकन गुइनिया भी सुना होगा, चिकन गुइनिया में भी एडीज मॉस्किटो का ही नाम आता है। जो वायरसेस जो जीका फॉरेस्ट में सबसे पहले युगांडा एरिया में बीमारी देखी गई 1947 में, उसी एरिया की वजह से इसका नाम जीका रखा गया। 2015 में फिर अमर्ज होकर आया और काफी साउथ अमेरिका में मिलियंस ऑफ द लोग इससे इंफेक्टेड हुए थे। WHO ने डिक्लेयर किया है कि यह डिजीज एपिडेमिक है, बहुत बड़े क्षेत्र में आती है जब भी आती है, और ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी इसकी वजह से लगाया जा चुका है, तो इसको रोकने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेकेंड फेज ऑफ मिसल्स रूबियला वैक्सीन के बारे में बात होती है, उसके बारे में बात करते हैं। मिसल्स रूबियला वैक्सीन का सेकेंड फेज जो है वो लॉन्च किया गया है 8 states में, और यहाँ पर पूरी कोशिश है कि हम पूरी तरह से मिसल्स है ना और को वगैरह को रूबेला इस तरह की बीमारी को 2020 तक हम यहाँ से भारत को मुक्त कर दें। और ये जो चीज है इसमें तकरीबन 3.4 करोड़ चिल्ड्रेन को 8 state में कवर करने की बात की गई है। स्टेट आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओके चंडीगढ़ मतलब आप एक लोकलाइज एरिया कह सकते हो जो कि पंजाब का है, केरला, तेलंगाना, उत्तराखंड, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव विल बी कवर्ड इन दिस स्टेज। इसमें एक्चुअली जो वैक्सीनेशन होता है वो ऑल चिल्ड्रन जो अप टू ग्रुप ऑफ 9 months या उससे कम होते हैं, लेस देन 15 years विल बी वैक्सीनेटेड इन द फेज मैनर में हम देते हैं। तो अंडर द मिसल्स रूबेला वैक्सीनेशन कैंपेन में ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 9 months टू लेस देन 15 years है ना, तो जो 9 months से लेकर अप टू 15 साल तक के बच्चे हैं उनको इस तरह के वैक्सीन दिए जाते हैं। और तकरीबन कोशिश है कि इस तरह से 97% ऑफ एज ग्रुप मतलब जो भी इस तरह के एज ग्रुप वाले वहां तक हम पूरी तरह से पहुंच जाएं। नेशनल डीवर्मिंग इनिशिएटिव भी है, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। वर्म एक तरह के कृमि होते हैं जो प्लेटी हेलमेंथीज वगैरह के मेंबर होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक तरह से सेकेंड राउंड नेशनल डीवर्मिंग डे जो मतलब लॉन्च किया है 2017 में, जो कि 33 states एंड टेरेटरीज को का टारगेट है। डीवर्मिंग यानी वर्म फ्री करना, कृमि से बचाना। इसके लिए जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, आशा है जो एक एजेंसी है जो काम करती है, ये एनडीडी प्रोग्राम जो है जो एक तरह से हम नेशनल डीवर्मिंग डे जिसको हम बोल रहे हैं, वर्म को पूरी तरह से रिमूव करने की बात हो रही है, ये 2015 में लाया गया और WHO ने एस्टीमेट किया है तकरीबन 220 मिलियन चिल्ड्रन जो 14 साल से नीचे हैं एज वाले हैं वो इससे सफर करते हैं इंडिया में। यानी कहने का मतलब है इंडिया में अच्छे खासे लेवल पर इस बीमारी से एसटीएच इन्फेक्शन हम बोलते हैं सोयल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ बीमारी से ग्रसित होते हैं, क्योंकि मिट्टी के साथ ये वर्म्स जो होते हैं वो बच्चों के अगल बगल जाते हैं और बच्चों की गंदी आदत होती है कोई भी चीज उठाकर वो मुंह में डाल लेते हैं, तो ये वर्म्स बॉडी के अंदर जाते हैं और बच्चों को की डेथ तक कर सकते हैं। जनरली इसमें जिन बच्चों की डेथ होती है इफेक्टेड होते हैं वो तकरीबन 1 से 19 साल के होते हैं, 1 to 19 years के। डीवर्मिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसा कौन सा टैबलेट है जो डीवर्मिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज और सेफ होता है, उसका नाम है दोस्तों एल्बेंडाजोल। अगेन आई रिपीट, उसका नाम है एल्बेंडाजोल, जो कि काफी सेफ ड्रग है और वर्म इन्फेस्टेशन के लिए अच्छी तरह से मदद करता है। डीवर्मिंग टैबलेट है। वेरियस हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज जो होते हैं जो पानी से रिलेटेड है वो सैनिटेशन और हाइजीन, इसी को हम बोलते हैं जो रिलेटेड डिजीजेज होती हैं, किसकी वजह से वर्म बीमारियां होती हैं, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, जिसको हम वॉश के नाम से जानते हैं, इसी की वजह से इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। जो स्कूल और आंगनबाड़ी के लेवल में इस तरह के प्रोग्राम को चलाने से, क्योंकि यहाँ बच्चे मिल जाते हैं और इनको हम पूरी तरह से बच्चों को मुक्त कर सकते हैं इन बीमारियों से। आगे मिसलेनियस टॉपिक आते हैं, दैट इज द लास्ट यूनिट ऑफ दिस बुक, यानी बुक के बेस पर बेस करंट अफेयर्स, जहां पे 5 केमिकल्स को बैन किया गया है फायर क्रैकर्स में। आप जाना दोस्तों, मैंने फायर क्रैकर्स पे भी दीपावली वैकेशन के टाइम में मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने आपको बताया था कि जो क्रैकर्स होते हैं उनमें डिफरेंट कलर्स कहां से होते हैं। जो क्रैकर्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के, जैसे अगर आप बम लेते हैं, अगर आप क्रैकर्स लेते हैं डिफरेंट तरह के, उनमें जो कलर्स होते हैं उनके पीछे क्या होते हैं, उनसे किस तरह के इफेक्ट होते हैं, क्या पॉल्यूशन होते हैं, किस तरह की बीमारियां होती हैं, तो वहीं पर वहां पे जाके आप और डिटेल में देखना। सुप्रीम
फोड़ने से दशहरा दीपावली में जो हम फेस्टिवल मनाते हैं वहां पर फायर क्रैकर्स को यूज करते हैं, वहां पे कुछ ऐसे केमिकल है जो फायर क्रैकर में पूरी तरह से इनहिबिट कर दिए गए हैं, रोक दिए गए हैं। इसको जो लेबलिंग है इसकी टॉक्सिक लेवल की, ये हमारे इंडिया में जो बताता है सीपीसीबी बताता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, की कौन सा केमिकल किस लेवल पे टॉक्सिसिटी रखता है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो फायर क्रैकर्स हैं उसमें इस तरह की चीजों का यूज नहीं होगा। कौन कौन से ऐसे केमिकल इसका यूज हम फायर क्रैकर से बंद कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक और लेड यानी शीशा बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। ये ऑर्डर जो आया है दोस्तों, ये सीपीसीबी और पेस्को इन दोनों ने मिलकर काम किया है, जिसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको पूरी तरह से बंद करने की बात की है। पेस्को नाम थोड़ा याद रखना, यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेस्को का पूरा नाम होता है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखो आप खुद ही देखो नाम कह रहा है, एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये फायरवर्क रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो कि सिवाक्सी में है तमिलनाडु में, इन लोगों ने मिलकर इसकी पूरी जानकारी दी है। तो पेस्को के बारे में थोड़ा याद रखना है, पेस्को जो बनाया गया था इसका मेन पर्पज था control and administer the uses of explosive petrol stations in India. यानी इस तरह के explosive वगैरह को petrol stations वगैरह पे use ना किया जाए। हाल ही में दोस्तों cloud seeding project है कर्नाटका में हुआ है, okay, जो कि चकोर एयरफील्ड वगैरह में है, इसके बारे में है, जिसका वर्षाधारी नाम रखा गया है, जहां पे cloud seeding का मतलब होता है artificial rain, जहां पर दोस्तों यहां पर silver iodide आग की चीजों को हमने use किया है, जिसको BQ100 के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल यहां नोट में नहीं लिखा लेकिन आपको बता रहा हूं BQ100, इसमें सिल्वर आयोडाइड और कुछ एल्किल हैलाइड को मिलाकर हमने क्लाउड से क्या कराया, बारिश कराई है। यानी जो क्लाउड्स दोपहर के बाद बन जाते हैं, मेन चीजों की मिक्सिंग के बाद हम उनसे बारिश करा सकते हैं, क्योंकि कंडेंसेशन ना होने की वजह से क्लाउड्स जो होते हैं, क्लाउड्स तो एवरी डे बनते हैं क्योंकि सनलाइट होती है लेकिन बारिश नहीं करते, लेकिन इन चीजों को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, हम कंडेंसेशन करा सकते हैं, वाटर वेपर सारे के सारे कंडेंस हो जाते हैं और फिर वो वाटर ड्रॉप के फॉर्म में गिरते हैं। यहाँ जो इम्प्योरिटीज हैं जैसे सिल्वर आयोडाइड है ना, कौन कौन सी चीजें मिलाते हैं उसका नाम लिखा हुआ है कि कौन सी चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं, इम्प्योरिटीज में मिलाते हैं सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और अदर्स भी मिलाते हैं, जिसकी वजह से ड्रॉपलेट जो होते हैं वो फेल्ट आउट एज अ रेन। ओके दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा का पूरा अगस्त वन का करंट अफेयर्स खत्म हो चुका है। बाकी आप मेरे फेसबुक पेज पर आप जाइए, स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर भी ये सारे के सारे करंट अफेयर्स पे, इस मंथ के करंट अफेयर्स पे बेस 20 क्वेश्चंस भी बने हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। फिलहाल इनके साथ वो चीज़ें लिंक हैं, इनके लिंक के साथ आप जाइए उनको पूरा का पूरा आप करंट अफेयर्स पढ़िए और बुक को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इसके सारे कॉन्सेप्ट्स ये पॉसिबल नहीं करंट अफेयर्स में मैं चीज़ों को पढ़ाऊं इस बुक के पढ़ने के बाद। फिलहाल दोस्तों एक गुड न्यूज़ भी, इस बुक का सेकंड एडिशन आ रहा है, इस बुक को 18 के बाद 19 के लिए इसका सेकंड एडिशन मार्केट में अवेलेबल होगा आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो प्रीलिम्स आप ऑनलाइन कोर्सेज के लिए स्टडी आईक्यू पे मुझे फॉलो कीजिए और ऑफलाइन के लिए आप मेरे क्लासेस को Android IAS पे सुन सकते हैं, दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, अपना ख्याल रखिएगा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा, चाहे वो हमारे बारे में अच्छा हो या गलत हो, गलत के लिए भी अगर आप निगेटिव भी बोलते हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो हमें इम्प्रूवमेंट्स की बात बताता है, इम्प्रूवमेंट हमें हमेशा होता है, पूरी जिंदगी हम टीचर्स भी कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। सो थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।